और राइट जी, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं कैलगरी की सड़कों पे, क्योंकि कल रात से यहाँ पे पड़ रही है स्नोफॉल और वेदर चल रहा है फील्स लाइक -24 डिग्री सेल्सियस। तो ये सीज़न की कोई पहली स्नोफॉल नहीं है, इट्स नवंबर फर्स्ट वीक और ऑलरेडी 4-5 बार भर भर की स्नोफॉल यहाँ पे पड़ चुकी है। तो अगर आप लोग कैलगरी मूव होने का प्लान कर रहे हैं, यू आर वरीड अबाउट वेदर, कितनी ठंड होगी, कैसा रहेगा कैसा नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार थैंकफुली हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ठंड नहीं महसूस हो रही। ठीक है, एक मैंने हुडी पहनी हुई है, उसके ऊपर एक विंटर जैकेट पहनी हुई है। बाकी मेरा ज़्यादा बाहर निकलना होता नहीं क्योंकि मेरी जॉब घर से ही है, बट मैंने सोचा थोड़ी सी ना एक्सपीरियंस कर ली जाए ठंड भी कितनी पड़ती है और आपको भी दिखा दी जाए। अब आने वाले कुछ दिनों में -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दिखा रहा है, और टोरंटो में रहते हुए 4 साल मैंने इतनी ठंड नहीं देखी भाई। ठीक है, मतलब वहाँ पर -15, -16 ज़्यादा से ज़्यादा 20 चला जाता होगा, बट -25 मैंने बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, बाकी उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने बसें पकड़नी है या फिर जिन्होंने रोज़ कॉलेज या फिर जॉब पे जाना है बाहर, बट एक बार आप एक सर्दी निकाल लोगे यू विल बी हैबिचुअल, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा ज़्यादा बाहर निकलना होता नहीं है टोरंटो में, मेरा रोज़ बाहर निकलना होता था, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तो भाई थोड़ा सा बचा हुआ इस मामले में। अभी थोड़ा और चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की सड़कें कि भाई गर्मियों में बिल्कुल ही अलग दिखता है शहर और सर्दियों में तो बिल्कुल ही अलग, मतलब काय पलट जाती है पूरी, आप पहचान नहीं पाओगे आप कौन सी सड़क पे हो। तो यार एक फन फैक्ट बताऊं तो भाई, इतनी ठंड में ना आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलने बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना आईफोन ऐसे ही बाहर 2-4 घंटे के लिए छोड़ दूं, चलना बंद हो जाएगा, अपने आप शटडाउन हो जाएगा। और मेरे कैमरे पे मुझे फ़र्क दिख रहा है क्योंकि मैं जेब में डाल के तो घूम नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से इस पर भी थोड़े बहुत मुझे लैग आने शुरू हो गए हैं मेरे कैमरे पे, और ये भी जल्दी बंद हो जाएगा अगर मैं जल्दी घर ना पहुँचा। तो ये सिर्फ आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और आप इतनी ठंड में खड़े हो -20, -25, -30 में, तो अपने आप शटडाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद सेफ्टी पर्पजेज के लिए। आईफोन तो 100% हो ही जाता 2-3 घंटे में। तो यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि पिछले दिसंबर जब मैं टोरंटो में था तो मैं बिना विंटर टायर के 1-2 महीने गाड़ी चला गया था। अब मैं ये नहीं कहता इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट आई वॉज एबल टू मैनेज इट, बट कैलगरी में ये नहीं किया जा सकता। एक तो स्नो बहुत ज़्यादा है,
ऊपर से रास्ते सारे हिली हैं, फिर टेम्परेचर इतना डाउन है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं की जा सकती। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे चलते चलते नोटिस की, यहाँ पे जो ट्रक्स होते हैं ना जो सिटी के द्वारा चलते हैं, वो सॉल्ट नहीं फेंकते, वो ग्रेवल फेंकते हैं सड़क पे, ताकि आपकी गाड़ी की ग्रिप बनी रहे, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में सॉल्ट काम नहीं आता, बट टोरंटो में सॉल्ट फेंक के काम बन जाता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यार मेरा माइक और कैमरा दोनों ठंड की वजह से बंद हो चुके हैं, और ये क्लिप मैं अपने आईफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो मैं यही खत्म कर देता हूँ, बस आपको दिखाना चाहता था कि कैलगरी में कितनी ठंड पड़ती है और कितनी स्नोफॉल पड़ती है, ठीक है। अब मैंने एक डाउनटाउन का समर में भी टूर बनाया था, वॉकिंग टूर, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। और आपको एक फन फैक्ट बता दूं भाई, डाउनटाउन में तो फिर भी जल्दी स्नो हटाने आ जाते हैं, बट मैंने जहाँ पे लोगों से सुना है कि जो बाकी एरियाज है कैलगरी के नॉर्थ ईस्ट वगैरह, वहाँ इतनी जल्दी स्नो नहीं हटाई जाती। तो आप देख के आए आपको कौन से एरिया में रहना है। तो बस जी कर देते हैं वीडियो एंड, अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।